कुरुंदेग बाला छात्रावास में 40 से भी ज्यादा बच्चे बिजली के अभाव में दिया जलाकर पढ़ने को मजबूर हैं। सरकारी भवन ना होने से छात्रावास प्राइवेट भवन में संचालित होता है, वहां भी कच्ची दीवार है और खपरेल है। अक्सर बिजली गुल रहती है या लो वोल्टेज रहता है, जिससे दिन में भी अंधेरा रहता है। पानी की मोटर खराब होने से पीने का पानी बच्चे बाहर से लाते हैं और नहाने के लिए भी तालाब पर जाना पड़ता है। आश्रम अधीक्षक दूसरी जगह रहते हैं और जब आते हैं तब भी नशे में धुत रहते हैं। लाइट नहीं रहने पर तो लाइट आता है तो लाइट में बर्ड के पड़ते हैं। दिन में तो अभी बादल है तो अंधेरा ही है, तो पढ़ नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ का इतना बदतर स्थिति है हॉस्टल का, बच्चे लोग हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, चौकीदार का भी ठिकाना नहीं है, वो भी रहता है कभी नहीं रहता है, और बोर खराब हुआ है कई दिन से, मैं बनवाने के लिए उनको बोला गया लेकिन कोई फंड नहीं है, कोई वो नहीं है तो नहीं बन पाएगा ऐसे कहते हैं। लाइट नहीं है, अधिकतर भी नहीं रहता है, और ढिबरी चिमनी में पढ़ते हैं बच्चे लोग, और कोई चीज का सुविधा नहीं है, पानी का भी सुविधा नहीं है, बोरिंग खराब है, बच्चे लोग दौड़ने में आने के लिए जाते हैं। मंडा जबलपुर 4 साल